सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से और उनसे कहा था कि जनाब आप काबीना में तशरीफ मत लाया करें, ये ठीक नहीं है। बड़ा एतराज किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कि जनाब ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कई वजीरों ने उसके बाद ट्वीट की, कुछ से करवाई गई, कुछ को फोन किए गए जनाब ट्वीट करें, खुदा के लिए अपनी सपोर्ट को शो करें। मसला असद उमर के केस के अंदर भी है। जहांगीर खान तरीन साहब ने उस वक्त एक गुफ्तगू की थी नदीम मलिक साहब के साथ फोन के ऊपर अपने एक शो के अंदर। अब जरा आपने हर लफ्ज गौर से सुनना है जहांगीर तरीन साहब क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुनिएगा ये बात। मैं हूं एक एक्शन ओरिएंटेड आदमी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें फैसले जल्दी करने चाहिए और हमें वक्त के फैसले करने चाहिए। जब आप वक्त के फैसले नहीं करते और आप देर करते हैं तो फिर आपको बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। एक अच्छा फैसला, एक फैसला करना बेहतर है एक ना फैसला करने से। तो हम थोड़े से हमने लंबा कर दिया इस चीज को, हमें फैसले करके आगे निकलना चाहिए था। लंबे हो गए फैसले, फैसले कर देने चाहिए थे पहले, क्यों नहीं किए फैसले? असद उमर साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद असद उमर साहब चंद दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब ये अल्फाज गौर से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं और क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज, अब ये गौर से सुनिएगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं सर। उसके बाद पूछना उन अफलातूनों से जो पूछते ना, जो मैं भी सुन रहा था किसी को देर फैसले कर दिए, अगर वक्त पे फैसले करते तो ऐसा ना होता। तो फैसला हमने करना था और मुझे पता है मेरे अवाम जो है उनकी क्या हालत है और उस पर कितना मैं बोझ डालने को तैयार हूं। अफलातूनों से जाके पूछो के जो कहते थे कि जी वक्त पे फैसले नहीं किए, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, ये आपको बताती है ये सारी दोनों गुफ्तगू को। अगर आप एक्चुअली कंपेयर करें तो ये आपको बताती है कि दरअसल में पार्टी में चल क्या रहा था। ज़ैन कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब का कितना इन्फ्लुएंस है आपकी पार्टी के अंदर, एक ऐसा नाअहिल शख्स जो कि दरअसल में ना पार्लियामेंट में एंटर हो सकता है लेकिन असद उमर साहब की पॉलिसीज के ऊपर वो कॉमेंट करते हैं। और अब कामरान खान साहब ने एक ट्वीट की है कि जनाब पे पांच रुकनी एक टास्क फोर्स पे बनी है और उसके कन्वेयर बना दिए गए हैं जहांगीर खान तरीन साहब इकोनॉमी के ऊपर। ये बात सच है कि जहांगीर खान तरीन साहब का अभी भी इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट के सारे मामलों में? खान साहब, टीआरपी बढ़ाने के लिए तो बड़ा अच्छा है, मेरा अगला जुमला बड़ा अच्छा होगा लेकिन मेरा मौके इस पे बड़ा, आप वाज तौर पर जानते हैं, मेरा इसमें इससे ज्यादा कुछ कहना मेरे खाते शायद मुनासिब नहीं होगा। नहीं ठीक ठीक ठीक, नहीं मुनासिब, वाकई मुनासिब। ज़ैन कुरैशी साहब एक्सीलेंट, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड।